हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मरीना। आज आपसे बहुत ही ख़ास टॉपिक पर बात करने वाली हूँ और अभी कंटिन्यूशन में मैं बहुत सारी ऐसी वीडियोस डालूँगी जो एक्यूप्रेशर पर होंगी और जिनमें मैं बहुत सारी बीमारियों का इलाज बताऊँगी जो हम सिर्फ एक्यूप्रेशर के द्वारा घर पर ही खुद ही बैठ कर ठीक कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आज जो मेरी वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊँगी कि एक्चुअल में एक्यूप्रेशर है क्या, ये कैसे वर्क करता है, इसका क्या बेनिफिट है और ये कहाँ से आया है। क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है कि हमें जब तक उस चीज़ के बारे में पूरी डिटेल ना पता हो या बैकग्राउंड हमें ना पता हो तो तब तक हम उस पर विश्वास नहीं करते। तो आज जो मैं वीडियो बनाने वाली हूँ उस पर मैं सिर्फ एक्यूप्रेशर की इन्फॉर्मेशन पर ही बात करूँगी, ये कहाँ से आया और कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअल में एक्यूप्रेशर है क्या, इसके जो एक्यूप्रेशर इसका नाम है उससे ही आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा। प्रेशर मीन्स दबाव डालना किसी चीज़ पर या बॉडी के किसी एक पर्टिकुलर भाग पर। हमारे शरीर में जितनी भी बीमारियां होती हैं उन सब बीमारियों से रिलेटेड हमारी पूरी बॉडी में कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं जो एक नॉर्मल पर्सन को नहीं पता होते। लेकिन मैं अपनी अगली वीडियोज़ में डेली एक बीमारी पर बात करूंगी और एक बीमारी से रिलेटेड जितने भी प्रेशर पॉइंट्स मेन होंगे वो मैं बताऊंगी। क्योंकि वैसे तो बहुत सारे प्रेशर पॉइंट हैं लेकिन एक नॉर्मल पर्सन के लिए सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स याद रखना बहुत मुश्किल काम है। तो मैं कुछ खास खास सिर्फ आपको बताऊंगी और मेरी कोशिश रहेगी कि हर वीक मैं एक वीडियो एक्यूप्रेशर से रिलेटेड ज़रूर डालूँ। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि ये एक्यूप्रेशर आया कहाँ से। एक्चुअल में ये भारत में ही इसका आविष्कार हुआ और ये 6000 साल पुरानी पद्धति है। चिकित्सा की जितनी भी पद्धतियाँ आज तक फेमस हुई हैं आपको जानकर शायद विश्वास भी नहीं होगा, सबसे अच्छी और यूज़फुल और जिस पर हम बिलीव कर सकते हैं वो है एक्यूप्रेशर। लेकिन ये हमारी भारतीयों की विडंबना ही आप समझिए कि इसका आविष्कार भारत में ही हुआ लेकिन आज वर्तमान समय में सबसे कम इसको यूज़ इंडिया में ही किया जाता है। बहुत सारे लोगों को इसका नाम भी नहीं पता या कुछ को नाम पता है तो कभी उन्होंने इसको यूज़ नहीं किया, किसी से सुना भी नहीं है इसके बारे में या उनको पता भी नहीं है कि ये कैसे काम करता है। लेकिन जापानीज़, चीनी लोग, यूरोपियन बहुत सारी कंट्रीज़ इसका आज भी यूज़ करती हैं और इससे फ़ायदा उठाती हैं। चीन के लोग इंडिया में आए, उन्होंने यहाँ पे एक्यूप्रेशर सीखा और उनको ये बहुत यूज़फुल लगा। उन्होंने वापस अपने कंट्री में जाके इसको बहुत सारे लोगों को सिखाया और थोड़ा सा इसमें और ऐड करके इसका नाम चेंज कर लिया और वो इसको बोलते हैं एक्यूपंचर। एक्यूप्रेशर और एक्यूपंचर में बहुत ज़रा सा ही डिफरेंस है और वो डिफरेंस है, एक्यूप्रेशर में तो हम प्रेशर डालकर किसी बीमारी को ठीक करते हैं, प्रेशर डालकर या मसाज करके, टाइट मसाज करके हम बीमारी को ठीक करते हैं। और एक्यूपंचर में भी सेम किया जाता है लेकिन उसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड कर ली जाती है, वो है नीडल्स, सुई। एक्यूपंचर में जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर प्रेशर डालना होता है वो उस प्रेशर को नीडल्स के द्वारा डालते हैं। तो इस तरह से वो इसका यूज़ करते हैं। चीन में इसे एक्यूपंचर कहते हैं, इंडिया में इसे एक्यूप्रेशर कहते हैं, जापानीज़ लोग इसे सियात्सु कहते हैं और प्रेजेंट टाइम में 20,000 से ज़्यादा डॉक्टर्स एक्यूप्रेशर के वहाँ पर हैं और जो लोगों का इलाज करते हैं, अपने कंट्री के पैसे को बचाते हैं और लोगों की लाइफ को भी बचाते हैं। लेकिन इंडिया में इसका बहुत बहुत कम प्रचलन अब है और कुछ लोगों को अगर पता भी है तो उन्हें यही पता है कि ये चीन से आई है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये इंडिया की पद्धति है, भारत में इसका आविष्कार हुआ और भारत से ही बाकी सब लोगों ने इसे सीखा है। बस फर्क ये है कि उन्होंने इसे रेगुलर यूज़ किया, कंटिन्यूएशन में रखा और इसमें थोड़ा बहुत अपनी तरफ से भी ऐड किया और फिर वहाँ से अब वापस इंडिया में आ रही है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं अपनी अगली वीडियोज़ में यही सब
आप लोगों तक पहुंचाऊं कि किस बीमारी के लिए कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हम जान सकते हैं। एक्यूप्रेशर का यूज़ कैसे किया जा सकता है? हमारी बॉडी में, हमारे हाथों में, इधर भी, बैक साइड में भी और पैरों में भी, हमारे फेस पर, ईयर्स पर, नेक पर, बहुत सारे ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं जिन पर प्रेशर डालकर हम बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। हर बीमारी के लिए कुछ 5-7 पर्टिकुलर प्रेशर पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगी और उसी के द्वारा आप अपनी बीमारी घर बैठे ठीक कर सकते हैं। और इसकी एक ख़ास पहचान ये है प्रेशर पॉइंट्स पहचानने की कि हमें अगर कोई भी बीमारी है और उस बीमारी से रिलेटेड जो रिस्पांस सेंटर्स हैं, जो प्रेशर पॉइंट्स हैं, अगर हम वहाँ पर दबाएंगे तो हमें बहुत तेज का दर्द होगा। ये बिल्कुल नेचुरल पद्धति है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। जिसको कोई भी बीमारी है या नहीं है, बीमारी ना भी हो तो भी हम इसे दबा सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता और किसी भी टाइम हम दबा सकते हैं। इसमें कोई खाने पीने का भी परहेज हमें नहीं करने की ज़रूरत है। पुराने समय में मालिश के लिए बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता था, बच्चा जब पैदा होता था तब भी, या बुज़ुर्गों की मालिश, तो वो इसीलिए दिया जाता था क्योंकि हमारे पूरी बॉडी में जितने भी प्रेशर पॉइंट्स हैं, अगर किसी इंसान को एक्चुअल प्रेशर पॉइंट्स नहीं भी पता, तो अगर वो पूरी बॉडी की टाइट से मसाज अगर लेगा तो भी बहुत सारे प्रेशर पॉइंट्स ऐसे हैं जो खुद ब खुद दबते हैं, जिन पर प्रेशर आता है और बहुत सारी हमारी बीमारियां ऑटोमेटिकली ठीक होती चली जाती हैं। इसीलिए मसाज का शुरू से भारत में बहुत ज़्यादा ट्रेंड रहा है और इसीलिए लोग इसे यूज़ करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं। और एक्यूप्रेशर भी वही है, अगर हम रेगुलर मसाज लेते हैं तो बहुत सारी बीमारियां तो हमसे वैसे ही दूर रहेंगी। दवा सो गाइज, मैंने शॉर्ट में आपको एक्यूप्रेशर का इंट्रोडक्शन दे दिया है। एक्यूप्रेशर से रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगी। अगर किसी पर्टिकुलर बीमारी से रिलेटेड आपको वीडियो जल्दी अगर चाहिए है तो आप मुझे वो भी कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि सबसे पहले उसी पर वीडियो बनाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।